नहीं आ रही है। तो हमने कहा तुम्हारी पत्नी नहीं आ रही तो हमारी क्या गलती है? कहले गए नहीं, पत्नी हमारी आ नहीं रही है, लगता तलाक हो जाएगा। तो हमने कहा बेवकूफ आदमी, टिप्पणी में मजा आ जाए, और जसवंत नगर में अगर वही टिप्पणी नहीं सुनी गई तो पूरे देश में नहीं सुनी जाएगी, टिप्पणी में मजा आ जाए तो हाथ उठा के समर्थन करना। हमारी पत्नी चली गई, मायके से आ नहीं रही है। हमने कहा बेवकूफ आदमी, तुम लोग राम को ला सकते हो। इसी तरीके से आप समझते हैं, बहुत बढ़िया। तो 10-15-20 मिनट में आपको रहूंगा, मैं तो कानपुर में रहता हूं आपके बगल में। कानपुर वाले कितने होशियार हैं, दुनिया का सबसे विचित्र अगर कोई शहर है तो वो कानपुर है। आप कभी बनारस जाइए, जसवंत नगर वाले बड़े लोग हैं, जाते ही होंगे, जसवंत नगर के लोग सब जगह जाते हैं। आप बनारस जाइए, वहां उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। ये किसने कहा? आप अक्सर आया करते हैं। तो सर मैं उसी कानपुर का हूँ, दुनिया का सबसे विचित्र है। मैं तो भी एक साल पहले लाफ्टर शो की छुट्टी कर रहा था सोनी चैनल में, मैं लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो उसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल लगा नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम में बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना और सारे लोग ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम सारे हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत खड़े बैठे हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, लड़की के चक्कर में 5 साल चले गए थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा, उसको मिल गई 5 साल की टिकट, पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो, लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, बार फिर हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। मुंबई के लोगों को पैसा आ जाए तो वो फिल्म स्टार बनाते। हमारा उत्तर प्रदेश केवल एक ऐसा प्रदेश है कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला गोछा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। अजेंद्र भाई देखने का यही पहन के आए हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब बहुत बड़ा अद्भुत है। लोग बड़ी तुलना करते हैं, देखता कहते तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं, कितने नकारा, हमारे हरियाणा के लोगों को देखो स्वर्ण पदक जीत के आते हैं। तो हमने कहा हमारे उत्तर प्रदेश में हरियाणा के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सब सुबह 4 बजे देखता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, 5-6 किलो फल खाता सो जाता है, शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, जो 4 घंटे टहलते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के जसवंत नगर कानपुर और लखनऊ 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है ना, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। होता है ना सर, फिर वो सो जाता है, शाम को 6 बजे सो के उठता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार पहचाना? अब दरोगा जी समझते हो उस समय तो उसके मुंह ना लगे, उस समय तो उसकी लगी हुई है, दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते थाने लेके आता, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा, अजेंद्र भैया 100 ग्राम तरस का धरे गए। फिर लोकल विधायक की उसकी पैरवी करते हैं, फिर वो छूट के आते हैं, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाते हैं, भंडारे में अगर गर्म पूरी ना मिली तो गोली चलवाते हैं। हम कवियों को बुला के सुनते हैं, एक बार ताली बजा सकते हैं उत्तर प्रदेश के। हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा है, ये प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग भी ताली बजा रहे हैं। पुलिस के विषय में मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि पुलिस बहुत अच्छी है। बचपन में मैं भी पुलिस बनना चाहता था, जब मैं नहीं बन पाया तो मैंने अपना पर्सनल थाना खोल लिया, फिर असली पुलिस ने हमको असली थाने भेजा, तुमने नहीं बन पाया सर। अच्छा आपको मालूम है थाना चौकी देन किसकी, थाना नाम हमारे कानपुर ने दिया है। हमारे कानपुर में पुलिस को जब कुछ कबूल करवाना होता है तो थाने पकड़ के लाती है,
एक दरोगा उसको खंभा पकड़वाता है, पीछे से दरोगा लाठी चलाता है, पूछता है घटना में तू था? कहता ना था, ना था, ना वहीं से थाना आया तो थाना की करते भाई साहब बहुत अद्भुत है। मैं लपेटे में नेताजी में आता हूँ, चार पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूँ, आप विश्वास कीजिएगा मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मंत्री जी बैठे हैं, आप यूट्यूब पे अभी डाल के चेक कर लीजिएगा। लपेटे में पहले ऐसी कोई चार पंक्तियां सुनाओ इससे मंच पर चाय आए, चाय चाय थोड़ी देर में अभी आ जाएगी, अभी चाय तो आती रहेगी, और फिर चार पंक्तियां सुनाना जिससे खाने को आए। नहीं अभी सब आएगा, मैं चार पंक्तियां आपको सुना रहा हूँ, अगर आपको लगे कि मैंने आपकी मिट्टी की बात कर दी, आपके नेता की बात कर दी है, तो एक बार जोरदार तालियां बजाना। चू रहा है पानी लेके त्रिपाल बैठे हैं, अब मैं नाम किसी के नहीं ले रहा हूं, सारा का समझ में आ जाए तो ताली बजाना। चू रहा है पानी लेके त्रिपाल बैठे हैं, कुछ लोग ओढ़ के भेड़िए की खाल बैठे हैं, अखिलेश जी की साइकिल से मत टकराना, क्योंकि पीछे राहुल गांधी आगे चचा शिवपाल बैठे हैं। तो आप समझ गए होंगे, तो मैं भाई साहब बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, सरकार की प्यार मोहब्बत के पड़के में कई लोगों को भटका रही थी, पीछे ये जसवंत नगर के नौजवान हैं, ऐसी पंक्तियों को नहीं सुनानी चाहिए, कभी भटक जाए। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में सब कोई कविता नहीं लिखी है, न मेरे कोई प्रेमिका है, योगी जी की सरकार नहीं थी, सत्रह प्रेमिकाएं थी, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए ने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड देख देख के लठ चल रही है। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ, दूर रहने के कई कारण है, किसी लड़की को गौर से देख लो, हाथ उठा के ताली बजाना, किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहीं देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहीं भी कुत्ता देख भी नहीं रहा है, सब बात है भाई, ताली बजा रहे इनकी भावनाएं इनसे मिलती है। आप तुम्हें प्यार मोहब्बत के भाई साहब बहुत दूर है तो सच बता रहा हूँ, लड़कियों से कोई भी कोशिश पटान जवाब देती है। भाई साहब आप किसको देख रहे हैं? हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, अजय भाई हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक के एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाई कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, ये तो साक्षी है, कहती भैया नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा, ये बिल्कुल सही कह रही थी, नाम में कुछ नहीं रखा है, मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी एक अंधेरे में रखा, जो ठेके का नाम कुछ नहीं रखा। इन लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल पर सेव करती हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीटहार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग, इन बेचारे लड़कों को देखिए जो उछल की ताली बजा रहे, ये लड़कियों का नाम मोबाइल पर सेव करते हैं पप्पू हलवाई, मुन्ना हवलदार, ताली बजाई हाथ उठा के जोरदार। मैं तो क्या आदरणीय विष्णु दादा का आशीर्वाद से दुबई गया, दुबई के मुशायरे में हमारी वाली ने फोन किया, हमारी वाली ने कहा आपको भ्रम लगे कोई गए, उसने आपको फोन किया, कह लेंगे हमने सुना है दुबई में हो, तुमने कैसे सुना है, कह लेंगे हमारे लिए सोने की चैन ले आना, तो उन्होंने कहा किस खुशी में, कह लेंगे एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी, तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगे, उसने पूछा कैसे, हमने कहा जीवन पर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था कि वहां से भी खाली है चला आया, तो सर कोई नहीं टिकता, मैंने कहा चार पंक्तियां आपको सुना रहा हूं, अगर हंगामा हो जाए तो तालियों का महोत्सव करना, एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। ऐसे वैसे मकान से बहुत देता हूँ, आदरणीय विष्णु सक्सेना जी बैठे हैं, गीतों के राजकुमार, प्यार का सबसे बड़ा अगर कोई इस देश में है तो वो है विष्णु सक्सेना जी, इतने गीत सुनके आसर आते हैं, वैलेंटाइन डे में इतने गीत आते हैं कि आदरणीय विष्णु दादा खुद नहीं गिन पाते, तो हमने अपनी मोहल्ले में लड़की से कह दिया, हमने कहा लोग अपने 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 लोगों के लिए कुछ भिजवाती है, कुछ हमारे भिजवा दो, उसने हमारे पुलिस भिजवा दी, हम अगर किसी से लड़की से कहते हम तुमसे मिलना चाहते तो हमसे कहेगी हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती, कोई सुपरस्टार अगर कहते तो वहां से जवाब आता है आंखें अपनी चार करेंगे तुमसे केवल प्यार करेंगे, तुम राजा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में होगा वो राजा, कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। मैंने तो सबक ले लिया है, जसवंत नगर वालों आप भी ले लो, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
बोल देता हूँ, हम लोग हास कभी लोग हम लोगों को आधा पागल समझते हैं, हम लोगों को कोई गंभीरता से नहीं लेता सर। हमारी शादी इसी चक्कर में नहीं होती, हमारी तमाम बार शादियां आई जो ये पता चल गया लड़का हास कभी इस समय से लौट गए। हमारे ये कई बार शादियां कैंसिल हुई तो हमने गुरु जी को हाथ दिखाया, ज्योतिषाचार्य कानपुर में है, हमने कहा पंडित जी हमारी शादी कब होगी, हमसे कहने लगे बेटा 2035 का कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। शादियां कैंसिल हो गई, प्रधानमंत्री जी एक दिन हमारी शादी तय हो गई, मैं कानपुर में रहता हूँ, लखनऊ में शादी तय हो गई 100 किलोमीटर आगे। पिताजी ने कहा 11 बजे तैयार हो जाना, लड़की पसंद है शादी बिल्कुल फाइनल कर देंगे। हम 11 बजे सूट वूट पहन के तैयार होने वाले पत्नी को लेकर जाना था, पौने 11 बजे पिताजी का फोन आ गया 15 मिनट पहले, कहने लगे बेटा हम नहीं जा पाएंगे, ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले जाओ, लड़की देखो शादी फाइनल। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो बेटा, ये घर की परंपरा है, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके चले जाना। अब हम कानपुर उत्तर प्रदेश से हम कट्टा लेके चले गए, फिर 2.5 साल का जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना, जेल भैया कुछ भी गवाह है बरात आई थी, भारत और पाकिस्तान का मैच था सेमीफाइनल का क्रिकेट का, 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देखा है हमारी, अब शादी कर रहे हो? सर नहीं माने करती, भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के मित्र हमारी बरात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे, दोनों काम एक साथ करे, बरात में डांस कर रहे कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बीच में सजे थे, घोड़े के ऊपर बैठे थे, जैसे बरात तक पहुंचने वाले थे एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब, हमने कहा कहां छक्का, कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ को देख रहे हो, शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको, हमने कक्की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 बनाकर इंडिया में जीत गई, किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुथली बम रख दिया, अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहां बेटा, हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं, बोले किसके साथ। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी, कहने लगे यार घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने पैसा मोबाइल बंद कर लिया, 1 हफ्ते लगातार भागते रहे। 1 हफ्ते बाद जब होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया, वहां 4-5 आदमी खड़े थे, हमने कहा कान पूछा पता बता दो बीवी को क्या कराना है। उन्होंने कहा ऐसा है हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल इसे करना था नहीं आया, तो सूप नखा का रोल कर लो, हमने इसमें क्या करना पड़ेगा, बोला ना कटवानी पड़ेगी, हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूप नखा का रोल किया, सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गए, वहां के आदमी गए, सूप नखा के डस्बे पैदल पैदल अपने घर पे, हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे, हमने कहा पिताजी पहचाना, उन्होंने हमारी माँ से कहा तो कटोरा आटा दे दो, हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए, हमने माँ के पुत्र है, बोले बेकूमत और हमारे दो ही पुत्र है, एक इंजीनियर एक नाक कटवा के घोड़ी से भाग गया है, ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया, हमारे घर के सामने पुलिस थाना, पुलिस को हमारी जरूरत को पड़ जाए सर, इसलिए हमने घर थाने के ठीक सामने लिया, थाने के तो एसपी साहब बैठे थे, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए, कहने पुलिस के काम घोड़ी ढूंढना, हमने कहा ढूंढ लाइए, कहने पुलिस के चले बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए, हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे, आपने ताली बजाई है, मुझे दादा तक पहुंचना है, समय की अपनी सीमा है, मैं एक व्यंग आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनाने को तो घंटों सुना सकता हूँ, लेकिन भैया अक्सर मुझे याद करते हैं, एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है इस दौर में इस कविता को पढ़ना, आजकल आप देशद्रोही हैं कि देश प्रेमी है, या आपके पिता नहीं तय करते, याद करके जब नेता तय करते हैं तो कवियों का फर्ज होता है कि उनको आईना दिखाएं। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्र भक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती कवि का तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही दो बेटे हंस रहे हो, उसका जवाब सुनना, अगर आपको लगे पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, पूरे हिंदुस्तान का जवाब है,
एक कवि ने सलीके से कह दिया तो सारे लोग हाथ उठा के ताली बजा के तेरा समर्थन करना या अपनी कुर्सी पर खड़े होकर मुझे बूट कर देना। उस कवि ने कहा समझ नहीं आती कवि में तन कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका है। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं, हस तुम पर नहीं हस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं, इसलिए मेरे देश के नेताओं भारत माता की जय रैलियों में नहीं सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ देश सच्ची बातों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत बहुत।